तो सना मकबूल ने क्यों नहीं दिया शिवानी का साथ, बल्कि हम देखते हैं कि उनकी शिवानी से काफी अच्छी बनती है। तो ऐसा क्या हो गया था टास्क के दौरान जिसकी वजह से सना ने शिवानी का साथ नहीं दिया और वोट आउट करने के लिए उन्हीं को वोट दिया। फिलहाल यहाँ पर बिग बॉस ने बहुत बड़ा गेम खेला, तो इसमें इनकी क्या ही गलती है क्योंकि तीन दोस्त आपस में टकरा गए, तो ये कर भी क्या सकते, कोई एक ना एक तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप देखोगे घर वालों की मेजोरिटी के हिसाब से तो शिवानी को ज्यादा वोट आउट लोगों ने किया है, तो उस हिसाब से शिवानी एलिमिनेट हो रही है। अगर हेड ऑफ द हाउस की बिग बॉस मानेंगे तो हेड ऑफ द हाउस चाहते हैं लवकेश का एलिमिनेशन हो, इसलिए उन्होंने लवकेश को वोट दिया है वोट आउट करने के लिए। अब रही बात यहां पर सना मकबूल की, तो सना मकबूल ने शिवानी को क्यों वोट आउट करने के लिए वोट दिया। दरअसल कल काफी इनकी बहस भी हुई है जिसमें सना मकबूल का यह कहना है कि मुझे लवकेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा था, शिवानी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, साथ ही उन्हें विशाल का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा था, लेकिन विशाल से उनकी ज्यादा अच्छी दोस्ती है। तो शिवानी की परफॉर्मेंस में उनको प्रॉब्लम ये थी कि शिवानी जो है ना बहुत ज्यादा गलत सलत जो चीज़ें हैं ना वो बोलती हुई नज़र आ रही थी, तो उनको वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर जो वोट आउट है वो शिवानी को किया, शिवानी का नाम लिया। घर के चार लोगों ने शिवानी का नाम लिया, तो मेजोरिटी के हिसाब से शिवानी का एलिमिनेशन हो रहा है। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इनके जो वोट है वो रखे हुए हैं और वीकेंड के बार में यहाँ पर सारे वोट आउट गिने जाएंगे कि किसको कितने वोट आए, आई थिंक उसी हिसाब से एलिमिनेशन वगैरह होगा। लेट्स सी, ये देखना होगा कि एलिमिनेशन होता कैसे। फिलहाल क्या कहना है आपका कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।